कि जब तक बच्चों को एजुकेशन के बारे में और टीचर्स और छात्र के रिलेशन के बारे में जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक वो उसको सम्मानपूर्वक नहीं देखेगा। गरीब बच्चे भी अच्छी उन्नति कर सकते हैं। आज से पहले सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में जब मेरिट हुआ करती थी तो गरीब घर के बालक ही ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट में आया करते थे। तो हम कभी भी पैसों से तुलना नहीं कर सकते एजुकेशन की। एजुकेशन हमेशा एक मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा इसको अधिक से अधिक पाया जा सकता है, पैसों से इसे नहीं खरीदा जा सकता। ऐसा है कि जब तक बच्चे की गुणवत्ता तभी निकल सकती है कि जब कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका वो आंसर राइट है या रॉन्ग है। अगर हम उसको रॉन्ग को भी राइट मान लेंगे और उसको पास कर देंगे तो बच्चे की वास्तविक गुणवत्ता को हम कभी नहीं पहचान सकते। इसलिए आज जरूरी है कि बच्चा जो आंसर दे रहा है उसको सही और गलत को ध्यान में रखते हुए ही उसका रिजल्ट निकाला जाना चाहिए। अगर बच्चा योग्य है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, अगर बच्चा योग्य नहीं है तो उसको पुनः मौका देना चाहिए सुधार के लिए। ऐसा है इसमें जब से सरकार ने ये नियम बनाया है, पेपर में भी आता रहता है कि अगर किसी बच्चों को मारा जाएगा पीटा जाएगा तो उसकी शिकायत कर दें आप, केस दर्ज करवा दें, तब से बच्चों में पढ़ाई के प्रति भय जो था वो खत्म हो चुका है। अब बच्चों में उतने लगन नहीं रहता है जितना पहले हुआ करता था कि पहले जो टीचर उनको आंखों से डरा देते थे तो बच्चा डर जाता था। लेकिन आज बच्चा ना आंखों से डरता है और ना उससे, बच्चा पढ़ाई के महत्व को, टीचर्स के सम्मान को, दोनों को, पिटाई का जब से बनाया गया है न मारने का, तब से बहुत ही कमजोर हो गया है। अगर ये एजुकेशन संबंधित जो फिल्म है, मैंने हालांकि देखी नहीं पहले कभी, लेकिन एजुकेशन से संबंधित ये फिल्म है तो बहुत अच्छी बात है। तो कि जब तक बच्चों को एजुकेशन के बारे में और टीचर्स और छात्र के रिलेशन के बारे में जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक वो उसको सम्मानपूर्वक नहीं देखेगा। सम्मानपूर्वक वो देखेगा इस फिल्म को देख के और उसमें एक जागृति भावना पैदा होगी शिक्षक के प्रति। इसका कारण सीधा सी ये है कि आज एजुकेशन में एक व्यवसाय बन चुका है और टीचर्स भी इतना आराम चाहता है कि मुझे काम नहीं करना पड़े, इसलिए वो सरकारी स्कूलों में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसको मोटी तनख्वाह मिल जाती है, पढ़ाने का किसी का दबाव रहता नहीं है वहाँ पे। इसलिए वो चाहता है कि मुझे नौकरी मिल जाए और मैं आराम से कोई काम करूँ नहीं, शाम को कहीं 2 घंटे कोचिंग पढ़ा के अच्छा पैसा ले लूँगा। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हमें अच्छे टीचर्स के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, मिलते नहीं जल्दी से, हमें बहुत मशक्कत करके और रीजनेबल पैसों में लाना पड़ता है क्योंकि हम सरकार के अनुपात उतनी तनख्वाह नहीं दे सकते क्योंकि फीस इतनी कम होती है। तो उस पैसे में अच्छे शिक्षक ला के शिक्षा दिलाना बहुत बड़ी एक समस्या हमारे लिए। वो एक कहावत है कि मार मार के इसको ये बना दो, तो इसमें यही हो चुका है कि पेरेंट्स आता है कि बच्चा बस मेरे से दूर रहे 24 घंटे 12 घंटे तो वो कोचिंग के भेज देगा और कहीं भेज देगा उसको। और एक स्कूली जो शिक्षा है उस स्कूली शिक्षा का जो महत्व है बिल्कुल उन्होंने नगण्य कर दिया है और इसलिए वो बच्चों को कोचिंग की तरफ जाने लग गया। बट इस चीज का नुकसान बहुत ज़्यादा है क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण जो विकास है वो एकमात्र स्कूल ही कर सकती है और जो उम्र है बच्चे की वास्तविक जो सर्वांगीण विकास होने की वो होती है 18 साल, और 18 साल की उम्र में बच्चा 12वीं करता है तब वहाँ तक होती है उसकी स्कूली एजुकेशन। तो स्कूल में बच्चों को भेजना बहुत ही अति आवश्यक है, अन्यथा उस बच्चे का सर्वांगीण विकास कभी नहीं होगा। पेरेंट्स का जो सपना है डॉक्टर इंजीनियर बनाने का, मुझे नहीं लगता कि 99% उसका कभी पूरा नहीं होगा।
शिक्षक जो होता है वो बहुत ही सज्जन और उसका काम होता है एक मानव का निर्माण करना। इसलिए पेरेंट्स हो सकता है वो गुस्से में हो, लड़ाई झगड़ा है, जो भी मन में स्कूल में आके बोले, लेकिन शिक्षक उसकी बराबरी कभी नहीं करता है। बाकी ये है कि पेरेंट्स को अगर वो इस तरह का व्यवहार स्कूल में आके करता है तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, वो अपने बच्चे की एजुकेशन को पहुँचा रहा है, क्योंकि बच्चे के मानसिक दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरे पापा ने मम्मी ने स्कूल में की घटना की है, तो उसका भी मन पढ़ाई में नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा पढ़ाई के प्रति, टीचर्स के प्रति। तो ऐसे बच्चे मुझे नहीं लगता कि आगे जाके सक्सेस हो पाएंगे। तो एक माँ बाप को कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टीचर तो सहन कर लेगा उस चीज़ को, लेकिन वो बच्चे के भविष्य को, उस समय को वापस कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। नेताओं की तरह तो आश्वासन कभी नहीं देंगी, क्योंकि नेताओं को तो अपनी राजनीति की रोटी सेकनी होती है, उनको अपनी जमीन तैयार करनी होती है कि मुझे पुनः आना सत्ता में और वही चोर चपाई करके कमाना है मुझे। लेकिन स्कूल या शिक्षक जो होता है या मालिक जो संस्था प्रधान होता है वो हमेशा शिक्षा के प्रति सजग रहता है और उसको पता है कि मैं जितनी ज़्यादा एजुकेशन क्वालिटी दूंगा तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। तो मैं इसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और मैं पूरा जितना मेरा 100% योगदान होगा पूरी तरह से मैं इसके लिए साथ रहूंगा और पूरा कमेंट है मेरा कि मैं इसके खड़ा रहूंगा हमेशा इसके साथ एजुकेशन के लिए। सर अनमोल जी ने जो काम उठाया है, बीड़ा उठाया है, इसमें सबसे बड़ी जो बात सामने निकल के आ रही है वो जो पहले गुरु और शिष्य में एक संबंध हुआ करता था उस संबंध को वापस पाने की, वापस लाने की एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे के मन में जब तक शिक्षा के प्रति सम्मान और भावना नहीं होगी तब तक वो शिक्षा को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो वो चाहते हैं कि ये सम्मान और भावना वापस पैदा हो और बच्चा पूरे मन और लगन से वो शिक्षा ग्रहण करे और आगे जाके कुछ महान और अपना जीवन को सफल बनाए, देश का एक सुशासित नागरिक बने। ये अनमोल भैया फिल्म 31 अगस्त को जो रिलीज होने जा रही है, मैं निश्चय साथ कहता हूँ कि मैं स्वयं डायरेक्टर और मेरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, स्टाफ है, सबको लेके मैं और फिल्म हॉल में मैं जरूर पहुँचूंगा। साथ में ही मेरे आसपास के जितने भी संस्था प्रधान स्कूल डायरेक्टर जो महोदय हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी अपने स्कूल्स के छात्रों को, स्टाफ को स्वयं लेके और जो शिक्षक के सम्मान पर जो फिल्म बनाई जा रही है उसको जरूर बच्चों को दिखाएं।